रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2020 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद डीजीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। मूडीज ने यह अनुमान 6.6% से घटाकर 5.4% कर दिया है। इसके साथ ही मूडीज ने 2021 में जीडीपी बढ़त के अनुमान को भी 6.7% से घटाकर 5.8% कर दिया है। मूडीज ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती आई है उसकी वजह से भारत के जीडीपी ग्रोथ में तेजी की रफ्तार कम हो सकती है। उसने ये भी कहा कि भारत में अब किसी भी तरह के सुधार की उम्मीद कम ही मानी जानी चाहिए। पटियाला हाउस कोर्ट राज्य और निर्भया के माता पिता की याचिका पर आज फिर से सुनवाई करेगी। कोर्ट में दोषियों के खिलाफ नए सिरे से डेथ वारंट जारी करने की मांग की गई है। दोषी पवन को अदालत की ओर से मुहैया करवाए गए नए वकील पहली बार इस मामले में पवन का पक्ष रखेंगे। तिहाड़ प्रशासन और निर्भया के माता पिता चारों दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पे लटकाने के लिए मांग कर रही है, जिसमें डेथ वारंट जारी की आज मांग की जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार के खिलाफ शाहीनबाग में प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने और कालिंदी कुंज शाहीनबाग सड़क को खुलवाने की कई बार नाकाम कोशिश भी की गई। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब भी मांगा था। सेना में स्थायी कमीशन पाने से वंचित रह गई महिला अधिकारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट से लड़ाई जीतने के बावजूद महिला अधिकारियों को सरकार के बेपरवाह रवैये के चलते अपना हक नहीं मिला था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अजय रहतोगी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति विकासवादी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई है, फिर भी केंद्र ने हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। मुंबई के जीएसटी भवन में आग लग गई है। बाइकुला के मझगांव में स्थित जीएसटी भवन में सोमवार दोपहर आग लगी है। मौके पर दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां पहुंच चुकी है। फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे में किसी भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं सामने आई है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक जीएसटी भवन में दोपहर में आग लगी और देखते ही देखते आसमान में काले धुएं का गुब्बारा छा गया। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही भवन में मौजूद लोगों को बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बीते शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने युवक द्वारा जय श्री राम का उद्घोष करने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को समाजवादी पार्टी विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रश्नकाल के बाद बात होगी, लेकिन विधायक अखिलेश यादव की जान को भाजपा सरकार से खतरा बताते हुए हंगामा करते रहे। इस पर सदन की कार्यवाही को 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार का आम बजट 2020 मंगलवार यानी 18 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री सदन में आम बजट पेश करेगी। योगी सरकार ने पिछले आम बजट में जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की थी। योगी सरकार ने अपने तीसरे बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल भी रखा था। 2020 में पेश होने वाला बजट योगी सरकार का चौथा बजट होगा। इस बार के बजट में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार दवाओं के लिए ठीक ठाक पैसा देगी, साथ ही सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने के लिए कुछ नया करेगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में 16 फरवरी से एकल परिवर्तन कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम में पूरे देश से 2.5 लाख लोग शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के पहले दिन स्वराज सेनानी सम्मान दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कार्यक्रम के दूसरे सेशन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि देश के ग्रामीण, धनवासी और वंचित तबकों के 30 लाख से अधिक बच्चों को बुनियादी शिक्षा से भारत निर्माण में जुटे एकल अभियान को जन आंदोलन में बदलने की तैयारी चल रही है। इसके लिए लखनऊ में 16-18 फरवरी तक परिवर्तन कुंभ और पर्यावरण सुधारने की दिशा में एक छात्र एक पेड़ गोद लेने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वहीं 18 फरवरी को लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस एकल परिवर्तन कुंभ का समापन करेंगे।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस के प्रस्तावित शिलान्यास कार्यक्रम की चल रही तैयारियों का जायजा लेने सीएम आदित्यनाथ योगी आज धर्मनगरी चित्रकूट जाएंगे। वो करीब 3 घंटे यहां रहेंगे। 29 फरवरी को भूरतकुप क्षेत्र के गोंडा गांव भी जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शिलान्यास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम संभावित माना जा रहा है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज रामपुर पहुंच रही है। वो रामपुर में राजा लाइब्रेरी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वहीं 2 स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और थाने का निरीक्षण भी करेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी 24 फरवरी को आगरा जा रहे हैं, जिसको लेकर ताजनगरी में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आगरा दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आगरा जाएंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सीएम योगी अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्तावित भ्रमण की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कानपुर देहात में 13 तारीख को दलितों पर हुए हमले के बाद पीड़ितों से मुलाकात के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पीड़ितों से मिलने पहले गांव और फिर घायलों से मिलने उर्सला अस्पताल पहुंचा। नरेश उत्तम ने बताया कि पीड़ितों के हाल जानने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम ने योगी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सूबे में जंगल राज है, दलित गरीब मजदूर किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इस पूरे मामले को पार्टी विधानसभा में उठाएगी और निष्पक्ष जांच और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसकी मांग भी करेगी। सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर पहुंचकर दरिंदगी का शिकार हुई युवती से मुलाकात की है, जहां उन्होंने बेहतर इलाज का आश्वासन देते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पुलिस दूसरे दिन ही जेल भेज चुकी है, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। कुड़वार थाना क्षेत्र की रहने वाली मासूम बच्ची कुछ रोज पहले ही बलात्कार का शिकार हुई थी। गुना में स्वास्थ्य मेले में बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजनीति से संन्यास लेने की इच्छा जाहिर की है। मन से बोलते हुए कहा कि सोच रहे चुनाव उनाव लड़ना बंद करें। दरअसल सांसद ब्रजभूषण ने जिले में चल रहे स्वास्थ्य मेले में योजनाओं पर चर्चा करते हुए ये बात कही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले एक बार फिर अयोध्या में बड़ी संख्या में देशभर से संत धर्मचारियों के साथ राम भक्त जमा हुए हैं। अयोध्या में आज से 9 दिवसीय राम नाम जाप का आयोजन शुरू हो गया है। सभी राम भक्त राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम नाम का जप कर भगवान का आह्वान करेंगे। इस कार्यक्रम में अखंड श्री राम नाम जप के साथ 5 बड़े हवन कुंडों में वैदिक मंत्रों द्वारा यज्ञ के साथ संतों के माध्यम से श्री रामचरित मानस का पाठ भी किया जा रहा है। गाजीपुर की जिला जेल में बंद सत्याग्रही को रिहा कर दिया गया है। जेल के बाहर मौजूद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सत्याग्रहियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। आपको बता दें कि गोरखपुर के चोरी चौरा से शुरू हुई नागरिक सत्याग्रह पदयात्रा को बीते मंगलवार यानी 11 फरवरी को बिरनो थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर चौराहे के पास पुलिस ने रोक लिया था और पदयात्रियों का शांति भंग की धारा में चालान कर जेल भेज दिया था। पुलिस की इस कार्रवाई से विभिन्न राजनीतिक दलों में पुलिस के प्रति रोष व्याप्त हो गया था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रातोंरात 11 शरारती तत्वों के जगह जगह काले पेंट से आजादी लिख दिए हैं। आजादी के ये स्लोगन न सिर्फ शहर के प्रमुख चौराहों पर लिखा गया है, बल्कि गाजियाबाद कोर्ट के मेन गेट के साथ साथ एसएसपी दफ्तर के गेट पर भी यही स्लोगन लिखा गया है। कुछ दिन पहले भी गाजियाबाद के जिलाधिकारी के दफ्तर के कंपाउंड के बाहर भी यही स्लोगन लिखा हुआ मिला था। हालांकि स्लोगन को वहां से हटा दिया गया था और इसकी जांच एसडीएम सिटी को दी गई थी, मगर रविवार रात एक बार फिर से शरारती तत्वों ने ये स्लोगन लिख डाला। हालांकि मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद उन स्लोगन को एसएसपी दफ्तर एवं कोर्ट के बाहर से हटवा दिया गया है। सरकार की ओर से बढ़ते वाहन प्रदूषण को लेकर एक नई पहल की जा रही है। 1 अप्रैल से प्रदेश में 6 यूरो गाड़ियों को सड़क पर उतारा जा रहा है, जिसके लिए विभाग में कार्य भी शुरू हो चुका है। आरटीओ दिनेश चंद्र पठाई ने बताया कि इसके लिए कंपनियां अब सीधे यूरो 4 और उसके बाद यूरो 6 गाड़ियां बनाकर सड़क पर उतारेंगी, क्योंकि इसके बीच में यूरो 5 कोई भी गाड़ी नहीं है। वही दूसरी ओर उन्होंने बताया कि अब अप्रैल महीने से यूरो 6 के अलावा किसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का राज्यव्यापी आंदोलन जारी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में भी कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है। राज्य सरकार के 3 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धनसाम, पूर्व कैबिनेट मंत्री सूर्यवीर सिंह सजवान और सैकड़ों कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए हैं। हल्द्वानी में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कर्मराम द्वारा यूकेजी के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भज के खिलाफ दिए गए बयान की निंदा करते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया और कर्मचारी नेता कर्मराम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। यूकेजी नेताओं का कहना है कि आरक्षण को लेकर सभी नेताओं ने अपना पक्ष रखा था, जिस पर दिवाकर भट्ट ने भी आरक्षण को सभी वर्गों में दिए जाने की बात कही थी, लेकिन उत्तराखंड कर्मचारी यूनियन के कर्मचारी नेता कर्मराम ने न सिर्फ केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट के खिलाफ गलत शब्द इस्तेमाल किए बल्कि यूकेजी का भी नॉमिनेशन खत्म करने की बात कही है। विकासनगर में अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर खंड शिक्षा कार्यालय में हड़ताल पर बैठी भोजन माताओं के एक संगठन को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का समर्थन मिला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि सरकार ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से स्कूलों में खाना पहुंचाने का काम जारी कर दिया है, ऐसे में भोजन माताएं कहां जाएंगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले को उठाने का काम करेंगे। शासन की मंजूरी के बाद एम्स ऋषिकेश में पीजी की सीटों पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स को लेकर कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। दरअसल एम्स में हर सेमेस्टर पर 24 सीटें राज्य को दिए जाने पर सहमति दी है। इस लिहाज से 2 साल में प्रदेश को 96 सीटें मिल सकेंगी, यानी शासन की मजबूरी के बाद 2 सालों में 96 विशेषज्ञ डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग में अपना सहयोग दे सकेंगे। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एम्स ऋषिकेश से पीजी की सीटों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजकर मंजूरी मांगी है। अम्बेडकर नगर जिला अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस का पहिया बजट के अभाव में ठप हो गया है। डीजल की कमी की वजह से मरीजों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अस्पताल की तरफ से शव वाहन में तेल न होने का हवाला देकर वाहन को भेजने में टाल मटोल की जाती है। लगातार उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने से वन संपदा नष्ट हो रही है, जिसे लेकर विभाग की ओर से पूरे क्षेत्र में लगातार गश्त और पेट्रोलिंग की जा रही है और जंगलों को बचाने के लिए फायर लाइन भी काटी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर भी फायर सीजन को लेकर बैठक हो गई है, जिसमें जंगलों में आग से निपटने के लिए स्थानीय नगर पालिका, नगर पंचायत एवं फायर टीम को वन क्षेत्र में आग लगने से समय पर नियंत्रण पाने और वन विभाग की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। फरुखाबाद में अब पुलिस सही मायने में मित्र पुलिस की भूमिका में नजर आएंगी। प्रदेश के जिन 100 थानों में बीच प्रणाली लागू की है, उसमें फरुखाबाद के मऊ दरवाजा थाने को शामिल किया गया है। आईजी मोहित अग्रवाल ने आज थाने के बीच सिपाहियों को जरूरी टिप्स दिए और पुलिस की अच्छी इमेज पर काम शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था में तमाम मुद्दे थानाध्यक्ष स्तर से हटाकर बीच सिपाही स्तर पर केंद्रित होंगी। आईजी का मानना है कि बीच प्रणाली से पुलिस की कार्यशैली सुधरेगी और लोगों की सुविधा भी बढ़ेगी। शासन की मंजूरी के बाद एम्स ऋषिकेश में पीजी की सीटों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को लेकर कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। एम्स में हर सेमेस्टर पर 24 सीटें राज्य को दिए जाने पर सहमति दी गई है। इस लिहाज से 2 साल में प्रदेश को 96 सीटें मिल सकेंगी। शासन की मंजूरी के बाद 2 सालों में 96 विशेषज्ञ डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग में अपना सहयोग दे सकेंगे। राज्य के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एम्स ऋषिकेश से पीजी की सीटों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजकर मंजूरी मांगी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और पशु चोरों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। वहीं 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर गाड़ी लेकर फौरन फरार हो गया।
और पुलिस ने घायल बदमाश के पास से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं फरार बदमाश के लिए पुलिस कॉम्बिंग अभियान कर रही है। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पकड़े गए बदमाश पर करीब 34 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि जारजा थाना पुलिस देर रात चोना बॉर्डर पर रूटीन चेकिंग कर रही थी। इसी बीच पुलिस को एक संदिग्ध कैंटर गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस ने जब उसे रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने गाड़ी रोकने की बजाय गाड़ी भगानी शुरू कर दी। इस बीच पुलिस ने बदमाशों को नरोली चौराहे पर घेर लिया। सहारनपुर में देर रात पेमेंट कलेक्शन करके लौट रहे व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को रोककर तमंचे की नोक पर लूट कर फरार हो गए। व्यापारी की सूचने पर पुलिस ने देर रात तक कॉम्बिंग कर बदमाशों की तलाश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पर व्यापारी के साथ लूट की खबरें के बाद पूरे सहारनपुर में व्यापारियों में रोष नजर आ रहा है। बिहार में शराबबंदी के बाद कुशीनगर जिला शराब तस्करों के लिए सबसे मुफीद बन गया है। यहां आए दिन अवैध शराब की बड़ी खेप कुशीनगर पुलिस पकड़ती है। पुलिस ने आज फिर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक वाहन से 50 लाख की अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 350 पेटी अवैध शराब के साथ बंदूक और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वही वाहन चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में रविवार रात एक शादी समारोह में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद शादी वाले घर में मातम पसर गया है। ग्राम प्रधान ने मौत की वजह जहरीली शराब को बताया है। घटना थनारी थाना के गांव नंगला चतुर्भानपुर का है, जहां शादी के प्रोग्राम में शराब पार्टी हो रही थी और इसी दौरान शराब पीने के बाद 2 लोगों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद दोनों को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया है। देर रात हुई 2 मौत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहारनपुर में गैस एजेंसी के मैनेजर से हुई लाखों रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने 1,16,000 रुपए भी बरामद किए हैं। जालौन में संदिग्ध हालत में एक अंधेड़ की मौत का मामला सामने आया है। अंधेड़ का शव घर के बाहर पड़ा मिला। परिजनों का आरोप है कि अंधेड़ की हत्या कर शव घर के बाहर फेंक दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। ये मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम साहब का बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में बच्चों से भरी निजी स्कूल की बस सोमवार सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 14 बच्चे घायल हो गए हैं। यह हादसा शोहरतगढ़ थाना इलाके के डोली गांव के पास का है। हादसे की वजह कोहरा बताया जा रहा है। बस में सरस्वती शिशु मंदिर शोहरतगढ़ के 60 बच्चे सवार थे। सिद्धार्थनगर में हुए हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान दिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि घायल बच्चों के इलाज में कोताही नहीं होनी चाहिए। मेरठ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। माधवपुरम सेक्टर 3 में मकान निर्माण का काम कर रहा एक मिस्त्री की बिजली की तारों की चपेट में आ जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके के लोगों में बिजली विभाग को लेकर आक्रोश है। मृतक कृष्ण स्वरूप की बॉडी को मोर्चरी के लिए मेडिकल भेज दिया गया है। बदायूं में युवक का शव पानी में बहता हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान वीरेंद्र यादव के रूप में हुई है, जो हासीगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि वीरेंद्र घर से शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकला था। उन्होंने वीरेंद्र की हत्या की आशंका जताई है। सिद्धार्थनगर जिले की राप्ती नदी में लाश देखने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना अध्यक्ष ने शव को कब्जे में लेकर मृतक की पहचान की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हरदोई में रोड पर गड्ढा होने की वजह से 2 कारें बेकाबू होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में दोनों कारों में सवार 7 लोग घायल हो गए। घायलों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा बेहटा गोकुल थाना इलाके में हुआ है।
अमेठी में बाबूगंज टोल प्लाजा पर रिटर्न पर्ची को लेकर दबंगों और मैनेजरों में कैबिन में जमकर मारपीट हुआ है। दबंगों ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों से मारपीट कर कैबिन में जमकर तोड़फोड़ भी किया। इस दौरान टोल प्लाजा के 5 कर्मचारी घायल हो गए हैं। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। नोएडा में पुलिस से तंग आकर एक युवक ने तेजाब पी लिया। युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस उसे सब्जी मंडी में दुकान नहीं लगाने दे रही थी और उसको आए दिन परेशान कर रही थी। युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई है। 7 वर्षों के बंधन में बनने के साथ रुड़की में एक दुल्हा दुल्हन ने कुछ ऐसा किया जिसमें उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। दुल्हा दुल्हन ने विदाई से पहले सरकारी अस्पताल में पौधारोपण किया और जीवन भर पौधे की देखभाल करने का संकल्प लिया है। नवविवाहित दूल्हे अशोक ने बताया कि सगाई होने के साथ ही उसने पर्यावरण को बढ़ावा देने का संकल्प लिया था और उसने ये बताया कि अपनी नवविवाहित पत्नी को भी बताई और जिस पर दोनों ने वरमाला के बाद पौधारोपण करने का संकल्प लिया था जिसे ने पूरा भी किया है। हल्द्वानी में होली की छटा सांस्कृतिक को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। कुमाऊं में होली अपने चरम पर है। हर तरफ होली की धूम है। कुमाऊं में बैठकी होली प्रसिद्ध है। कुमाऊं में प्रसिद्ध बैठकी होली एक अलग अंदाज में मनाई जाती है। जगह जगह महिलाओं की टोलियां बैठकी होली के साथ ही गानों के जरिए लोगों को संदेश भी देती है। हल्द्वानी में आयोजित महिला होली में महिलाओं ने गीतों के जरिए बेटी बचाओ, स्वच्छता अभियान और शराब को लेकर संदेश दिया है। कई जगहों पर महिलाओं ने समाज में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर भी गीत गाए हैं। उत्तराखंड के छोटे छोटे शहरों को फिल्मों के माध्यम से सामने लाया जा रहा है। चंपावत जिले के निवासी राजेश जोशी ने अपनी फिल्म लाइफ ऑन ए बाइसाइकिल का फर्स्ट लुक टकनपुर में लॉन्च किया। चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी द्वारा जहां फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया, वहीं एक साइकिल के इर्द गिर्द घूमते इस फिल्म कहानी की शूटिंग टकनपुर, चंपावत, पिथौरागढ़ और देहरादून में होगी। फिल्म में हीरो के रूप में अविनाश ढाई तो वहीं हीरोइन का किरदार 2018 में मिस उत्तराखंड रह चुकी संस्कृति भट्ट निभा रही है। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक और डी मार्ट रिटेल चेन चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्केट के संस्थापक राधा कृष्ण दमानी भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अपने 17.5 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ उन्होंने शिव नाडर, गौतम अडानी जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। देश के सबसे अमीर शख्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी है जिनका नेटवर्थ 57.4 अरब डॉलर है। दमानी शेयर बाजार के एक प्रख्यात जानकार और निवेशक है। उन्होंने अपने ज्ञान और कारोबारी चतुराई से अपनी डी मार्ट को भारत का एक सफल सुपरमार्केट चेन बना दिया है। समायोजित सकल आय मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सरकार के समय सीमा में ढील ना देने के बाद भारतीय एयरटेल ने सोमवार को दूरसंचार विभाग को 10,000 करोड़ रुपए के संवैधानिक बकाए का भुगतान कर दिया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वो बाकी की राशि का भुगतान भी स्व आकलन के बाद ही करेगी। भारत के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की वापसी हुई है तो वहीं मिचेल सेटनर की जगह बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल को शामिल किया गया है। इसके अलावा वनडे सीरीज में भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा तेज गेंदबाज काइल जैमसन को भी पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया। दोनों टीमों को 21-25 फरवरी तक वेलिंगटन में पहला और 29 फरवरी से 4 मार्च तक क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट मैच खेलना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत के 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे और जनवरी-फरवरी 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ डे नाइट टेस्ट खेलने को मंजूरी दे दी है। बीसीसीआई की सर्वोच्च परिषद ने रविवार को दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया जिसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह शामिल हुए थे। वैलेंटाइन डे के दिन कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की फिल्म लव आजकल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रिलीज के पहले ही दिन बम्पर कमाई कर डाली है।
फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी। पहले दिन फिल्म उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 12.40 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, तो वहीं फिल्म ने रविवार को 6.75 करोड़ रुपए की औसत कमाई की और फिल्म की कुल कमाई अब तक 27.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कंगना रनौत ने अपनी अगली फिल्म तेजस का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस नई तस्वीर में कंगना रनौत इंडियन एयरफोर्स की पायलट बनी नजर आ रही है। वहीं उनके पीछे फाइटर प्लेन खड़ा नजर आ रहा है। कंगना की ये नई फिल्म जाबाज फाइटर पायलट की कहानी है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने साल 2016 में महिलाओं को कॉम्बैट सर्विसेज में लेना शुरू किया था और तेजस ऐसी ही जाबाज महिला फाइटर पायलट की कहानी बयां करेंगी।